दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु। दैत्य गुरु देखिए मेरी ये दुर्दशा। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? हाथी के मस्तक वाले एक सूंडधारी प्राणी ने सूंडों से मार मार कर मेरी ये दशा की है दैत्य गुरु। वो श्री गणेश होंगे। तुमने अवश्य माता पार्वती के प्रति दुष्टता की होगी। गजासुर, हमने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि तुम देवियों से प्रतिशोध नहीं ले सकते। जब मैं प्रतिशोध नहीं ले सकता तो वरदान का अर्थ ही क्या है दैत्य गुरु? वरदान का लाभ उठाने के इच्छुक हो तो जैसा हमने कहा उसका पालन करो। जाओ, काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को यज्ञ पूर्ण करने से रोको। हम तुम्हें अपने मंत्र बल से पुनः पूर्ववत बना देते हैं। जय मृत्युंजय महादेव। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काशी यज्ञ स्थल के लिए प्रयाण करूंगा। तुम्हारा कल्याण। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम यज्ञेश्वराय नमः स्वाहा। तुम्हारे स्वाहा को स्वाहा कर दूंगा यज्ञकर्ताओं। मैं तुम्हारे यज्ञ को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। अरे यज्ञ कैसे पूछ गए? कैसे क्या हुआ यज्ञ ग्रंथ जी? हमारे यज्ञ में कोई बाधा डाल रहा है, हमें सावधान हो जाना आवश्यक है। बाधाओं से ना डरो, यज्ञ की निरंतरता बनाए रखो। ओम नागेंद्र हाराय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमौलीने नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। लगता है अब हमारा यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कोई दुष्ट शक्ति बार बार हमारा यज्ञ भंग करने का प्रयास कर रही है। भगवान शिव यज्ञेश्वर वो स्वयं हमारी सहायता करेंगे। भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव, कोई अशुभ शक्ति हमारे इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रही है प्रभो। उसे नष्ट करें देवाधिदेव महादेव, उसे नष्ट करें। अब तुम ये यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाओगे ब्राह्मणों, अब भगवान शिव तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे। यज्ञ बाधक दुष्ट कौन है तू? यदि साहस है तो सामने आ। अंधो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। यदि देख नहीं सकते तो अपनी आंखों को दोष दो। अदृश्य मायावी हमारे यज्ञ में बाधा डालकर अपनी निर्बलता क्यों दिखा रहा है? यदि साहस है तो सामने आ और बता तेरी इच्छा क्या है। मुझे निर्बल कहने वाले मूर्खों, मैं परम शक्तिशाली महिषासुर का पुत्र वरदानी अमर गजासुर हूँ। यदि मुझसे उलझोगे तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। गजासुर हो या महिषासुर, हमने यज्ञेश्वर भगवान शिव की आराधना का शुभ संकल्प किया है। हम तेरे अत्याचारों के आगे झुकेंगे नहीं। यज्ञकर्ताओं, भगवान शिव का नाम लेकर पुनः ये यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम भूतनाथाय
नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। दुष्ट ब्राह्मणों दुष्ट ब्राह्मणों घमंडी ब्राह्मणों बंद करो ये यज्ञ। यदि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं तुम सबको इसी यज्ञ में झोंक दूंगा। हमारे रक्षक सर्वशक्तिमान भगवान शिव हैं। तुम्हारे अत्याचारों से भयभीत होकर हम इस पावन यज्ञ को कदापि बंद नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो भुक दो इसका परिणाम। दुष्ट ब्राह्मणों, मैं तुम्हें तुच्छ जंतुओं की भांति मसल डालूंगा। मैं तुम्हें भी कुचल डालूंगा। भोलेनाथ, इन निर्दोष ब्राह्मणों को यज्ञ करने का परामर्श मैंने ही दिया था भोलेनाथ। कृपया आप मुझे इस पाप से उबारे भोलेनाथ, इस पाप से उबारे। जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे। दुष्टों को दंड देने वाले भगवान भोलेनाथ आगे खोले, आगे खोले भोलेनाथ, आगे खोले, आगे खोले भोलेनाथ, आगे खोले। स्वामी आंखें खोले, आपकी प्रिय नगरी काशी के भक्त ब्राह्मणों पर गजासुर भयानक अत्याचार कर रहा है। अपने भक्तों की रक्षा करें देवादिदेव। अपने भक्तों की रक्षा करें भक्त वत्सल। हे देवादिदेव, सर्वेश्वर, हे त्रिकालदर्शी, निर्दोष और निरीह काशी के ब्राह्मणों को परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी आराधना और अनुष्ठान करने के लिए मैंने ही प्रेरित किया था। कृपया आप उनकी सहायता करें भोलेनाथ। किंतु अब तो विकराल गजासुर के चरणों तले कुचले जा रहे हैं। उन पर होने वाले अत्याचारों का पाप नारद के सिर चढ़ेगा भोलेनाथ।
अपने दीन हीन और परम भक्त नारद की प्रार्थना पर कृपया आप अपनी आंखें खोले भोलेनाथ। आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। परमेश्वर, उस दुष्ट गजासुर को उसकी दुष्टता का दंड देने में इतना विलंब क्यों? देवी, हर दुष्ट के पास अपने पाप संचय करने की एक थैली होती है। पाप वो करता है, किंतु उसकी गणना हम करते हैं। और जिस दिन वो थैली भर जाती है, उस दिन उसका कोई भी पुण्य और कोई भी वरदान उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो क्या अत्याचारी गजासुर के पापों की थैली अभी तक भरी नहीं है भोलेनाथ? जीवन माटी का एक दिया है नारद, दिया माटी का, ज्योति ईश्वर की, दिया पृथ्वी का, प्रकाश आकाश का, दिया मनुष्य का, ज्योति परमात्मा का, दिया पंचतत्व का, आत्मा परात पर ब्रह्म, गजासुर भी माटी का एक दिया है, किंतु उसके संस्कारों में महिषासुर और गजदंती का ईंधन भरा है। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसका हृदय बदल सकता था, किंतु शुक्राचार्य की सिद्धियों ने उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा वैकुंठ लोक और कैलाश को चुनौती देने का साहस कर सके। गजासुर के दुस्साहस को दंडित करे भोलेनाथ। अवश्य नाथ, वो क्षण गजासुर के जीवन में अवश्य और शीघ्र आएगा। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उस माटी के दिए गजासुर का ईंधन हम ही समाप्त करें। अत्याचारी गजासुर, समाप्त कर दे अपने अत्याचार, अन्यथा हमारे त्रिशूल से निकला महाकाल तुझे इसी क्षण समाप्त कर देगा। तो आप ही हैं शिव शंकर, हम असुरों के आराध्य शिव शंकर। जो अत्याचार करता है वो हमारे क्रोध का पात्र बनता है दुष्ट, तुरंत रोक दे अपने ये कुकृत्य। ये मूर्ख ब्राह्मण आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, अब परिणाम देखिए, आप प्रसन्न होने के बदले क्रोध से दहाड़ रहे हैं। इन मूर्खों की आराधना व्यर्थ हुई, यही मेरी इच्छा थी, ये असफल रहे, मैं सफल हुआ। यदि आप हम असुरों के आराध्य हैं तो हमारी युगों की आराधना भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप लौट जाइए शिव शंकर, हम असुरों पर प्रहार करना आपके लिए उचित नहीं है। दुष्ट गजासुर, तुझे अपनी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। देव हो या असुर, मनुष्य हो या पशु, जो अधर्म और अत्याचार में लिप्त हो जाता है वो हमारे हाथों जीवित नहीं बचता, और जो सच्चे मन से हमारी आराधना करता है उसकी रक्षा के लिए हम सदा प्रस्तुत रहते हैं। भोलेनाथ।
ये विराट शरीर अब सदा सदा के लिए छोटा हो जाएगा। तेरे दुष्कर्मों के कारण तेरी सारी चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। गजासुर, अब तेरा गजासुर नाम सार्थक हुआ। तू गज रूपधारी गज जैसा काला बन गया। हम तुझे अंतिम चेतावनी देते हैं कि तू जिस पाताल लोक से आया था वहीं लौट जा। कदापि नहीं, पाताल लोक जाने के लिए मैंने कठोर तपस्या नहीं की थी, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त नहीं किया था। हम असुरों के आराध्य होने के नाते आप मुझे मार नहीं सकते। मैं पृथ्वी और स्वर्ग लोक जाकर असुर शक्ति का ध्वज अवश्य फहराऊंगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देवताओं से लेकर ही रहूंगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शिव शंकर। गजासुर, तुझ जैसे दुष्ट असुरों के आराध्य हम नहीं हैं। यदि तूने इसी क्षण हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो तू जीवित नहीं रह पाएगा। शिव शंकर, आपने मेरी पहले की शक्तियां छीन ली हैं, परंतु मेरी वरदानी शक्तियां अभी भी शेष हैं। मैं इच्छा अनुसार अस्त्र शस्त्र प्रकट कर सकता हूं और अपने आराध्य का नाम लेकर आप पर भी प्रहार कर सकता हूं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। शिवाय। भोलेनाथ, गजासुर तो देखते ही देखते आपका शत्रु से भक्त बन गया, अब आप इसका संहार कैसे करेंगे? गजासुर, हमारा नाम लेने मात्र से तेरी रक्षा नहीं होगी। ये उन्माद त्याग कर पाताल लोक लौट जा। लौट जा पाताल लोक गजासुर। नहीं, कदापि नहीं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। कर रहे हैं शिव शंकर? हम असुरों के आराध्य होकर मुझ असुर को मेरे ही शस्त्रों से पीड़ित कर रहे हैं।
क्या ये अन्याय नहीं है शिव शंकर? परंतु अन्याय का प्रतिरोध करना मैं जानता हूँ। मैं अपनी वरदानी शक्ति का उपयोग करके इन सभी दुष्ट ब्राह्मणों को समाप्त कर दूंगा। शंकर, अब मैं अपने मूल रूप में आकर तुम्हें समाप्त कर देता हूं। गजासुर, मैं यहां हूं। गजासुर, 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 अब तेरा संहार निश्चित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम असुरों के परम आराध्य शिव शंकर, मैं अपने पिता महिषासुर के
वध के पश्चात पाताल लोक के अंधेरों में भटक रहा था। मैं पृथ्वी पर आया हूँ केवल आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए। गजासुर, हम जानते थे तुम्हारा उद्धार हमारे ही हाथों होना है। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा पृथ्वी पर प्रकट होना दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में तपस्या का भाव जगाकर तुम्हें तपस्या के लिए प्रेरित करवाना, तुम्हारा वरदान पाना और यहाँ आना, ये सब हमारी ही लीला का एक अंग था। गजासुर, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैंने यदि कुछ अनुचित किया या कहा हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे करुणा निधान। गजासुर, अब तुम हमारे क्षमा के ही नहीं करुणा के भी अधिकारी बन गए। तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई शिव भक्ति का पारितोषिक तुम्हें अवश्य मिलेगा। हमारे हाथों मृत्यु का वरण करके तुम असुरियों से मुक्त हो चुके हो, अब और क्या इच्छा है? सदाशिव मेरे